सब कुछ इसमें हेलीकॉप्टर जैसा है। गांव है, यहाँ के सराउंड में एक ऐसा आदमी जिसके मन में एक ख्याल आया और उसने एक नैनो कार को मॉडिफाई करके हेलीकॉप्टर बना दिया। तो उम्मीदों का हेलीकॉप्टर है जिसे इस गांव के छोटे से गांव में रहने वाले मिथिलेश जी जो गाड़ी चला रहे हैं वो उन्होंने बनाया है। शौक था कि एक जो है हेलीकॉप्टर बनाया जाए, लेकिन उतना पैसा नहीं था तो इन्होंने नैनो कार को ही हेलीकॉप्टर जैसा बना दिया। बिहार में दो ऐसे लोग हमें मिले हैं जो हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, एक तो बना दिए। सामने ये गाड़ी देख लीजिए आप, ये हेलीकॉप्टर नुमा गाड़ी है और छपरा जिले का ये छोटा सा गांव है जहां के निवासी मिथिलेश जी हैं। मिथिलेश जी से भी आपको मिलवाएंगे और इनको लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर खरीदने या बनाने का जज्बा था, वो कर नहीं पाए पैसे के अभाव में, तो इसने नैनो कार को हेलीकॉप्टर ही बना दिया। क्या सच है ये? जी सर, ये सच है। कि क्यों ऐसा क्यों किया? सर, मेरा हेलीकॉप्टर पे उड़ने का शौक़ था, तो सोचा कि पहले पैसा का मतलब अभाव था तो इसको, तो बिजनेस लाइन में इसको मतलब बनाया कि इसको शादी समारोह में चलाएं। बाकी अदर लोग मतलब इस पर च्वाइस करेगा कि हमको भी चाहिए तो वो भी बनाते हैं हम। मतलब दूसरों के लिए भी आप डिज़ाइन कर देते हैं? ये जो मॉडिफिकेशन का आइडिया था तो आप उड़ने के शौक से बनाए थे या कार के लिए बनाए थे? ये तो कार के लिए बनाए थे, उड़ने वाला अभी नहीं बना है। तो कितना मतलब शादियों में बुकिंग मिल जाता है आपको? जी, दो गाड़ी बना रखे हैं, पहले एक ही बनाया होगा आपने? फिलहाल तो देखिए, ये तो बनकर तैयार हुआ तो काफ़ी समस्या मतलब प्रॉब्लम से जूझना पड़ा, उसके बाद ये लॉकडाउन आ गया तो सारा मतलब बेकार हो गया। लॉकडाउन से पहले ही हुआ, तो 2019 में बनाए थे? हाँ, 2019 में बनाए थे, लेकिन वो हमारा लगन पार कर गया बनाते बनाते, क्योंकि नया मॉडिफाई था, नया मॉडल था, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम नया नया आएगा तो वो तो नया मतलब आविष्कार में होता ही है, तो उसी को बनाते बनाते तब तक लगन कुछ हद तक पार कर गया। थोड़ा बहुत चला वो 19 में, उसके बाद 20 आया, 20 में मतलब बहुत सा टबुक हुआ था, लेकिन उसके बाद वो लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद फिर क्या है कि इसमें दूल्हा को बैठा के ले जाते हैं जी, उधर से दुल्हन को भी लेकर? जी जी, ये रथ के जैसा है, मतलब रथ का भी काम करेगा प्लस में दूल्हा दुल्हन को बैठा कर भी लेकर आएगा, अदर गाड़ी नहीं बांधना पड़ेगा। इतना बड़ा कठिन सवाल है लेकिन पूछ लिया जी। देखिए, साटा का तो एक रेट होता नहीं है, जैसा पार्टी मिला वैसा कर लिया। जी जी, तो दूल्हा लोग इसमें बैठता होगा तो उसको फील होता होगा कि हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं। अब तो उनसे पूछना पड़ेगा। नहीं तो आप बैठते तो आपको क्या लगता है? हमको तो बहुत अच्छा लगता है। क्या लगता है कि हेलीकॉप्टर में जा रहे हैं? जी जी। देखिए, शौक है, आदमी का शौक कहीं भी ले जा सकता है और उसी का ये परिणाम है। तो इस गाड़ी को बनाए आप तो क्या क्या मॉडिफाई कैसे किए, ये जानना चाहते हैं थोड़ा। अगर हमारे दर्शक देख रहे हैं तो उसके लिए आप थोड़ा बताइए क्या कैसे किए, आप क्या करते थे पहले? आप मतलब कार का पहले से मिस्त्री हैं, क्या करते थे? मेरे भैया वो बस बॉडी का मिस्त्री थे पहले से, और मैं और मेरे भैया ये दोनों मिलकर बनाए हैं इसको। मैं तो पहले पाइप फिटर का काम करता था। पाइप फिटर मतलब घर में? नहीं, वो नहीं, वो प्लांट में होता है जो पाइपलाइन फिटर का काम, वो तो घर में वो हो गया प्लम्बर का, तो मतलब कंपनी में जो होता है पाइप फिटर का काम वही करते थे। तो रोके नहीं घर वालों की गाड़ी? रोके थे, बहुत रोके थे, लेकिन मेरे बड़े भैया का सपोर्ट था उस पे, तो ये सक्सेस हो गया। तो अब क्या है, अब चलते हैं तो लोग क्या रिकॉग्निशन देता है आपको? जी, बहुत थी मतलब बहुत इज्जत मिलता है कि चलिए अपने गांव में, शर्मी गांव में कोई अजूबा चीज़ तो हुआ, मतलब हर सक रोड पर चलने वाला ही हुआ लेकिन कुछ नया तो हुआ, और चलिए उड़ने वाला भी बनेगा तो समय आएगा तो बन जाएगा। गांव के बच्चे तो बहुत परेशान करते होंगे? जी जी, वो हर जगह परेशान करते हैं। ये क्या है, ये घूमता है? जी, वो ब्लेड है, ये शो के लिए है? जी, वो पूरा हेलीकॉप्टर जैसा ही मतलब हर कार्य करता है, केवल उड़ता नहीं है, वो ब्लेड वगैरह वगैरह सब उड़ेगा। तो हेलीकॉप्टर की तरह हर फंक्शन है इसमें? हर फंक्शन इसी उसी काम करता है? सब काम करता है, बस वो उड़ेगा नहीं। दुल्हन भी बैठ के आती है इसमें? जी। देखिए, वह हेलीकॉप्टर में दुल्हन भी आती है, समय तो नहीं है लेकिन अगर ये हमको शॉट व्यवस्था कर देंगे उसकी तस्वीर तो हम आपको दिखाएंगे भी कि इस गाड़ी में दुल्हन भी बैठ के आती है। दुल्हा से पूछ भी लीजिएगा आज कि क्या हेलीकॉप्टर में बैठे ऐसा फील होता है कि नहीं।
तो वो अगर बोलें जो बोलेंगे हम लगा भी देंगे आपको। एक बार खोलिएगा ना इसका, इसको खोलिए तो, बोनट बोनट को खोलिए। ये देखिए आगे इसमें ये टायर पहले से ही रहता है, इसमें कुछ भी, सिर्फ आगे का जो है तो मैं इसको पूरा काट कर हटा दिया सब कुछ, सब चीज को पहले वाले में, पहले वाला यही है। इसको पूरा काट कर वो देखिए उसको हटा दिया। अच्छा उधर जो रखा हुआ है थोड़ा उधर दिखाइए गणेश जी, वो वाला जो है ठीक है, येलो वाला, येलो कार ही था क्योंकि नैनो का पहचान ही येलो था, उसको फिर हटाए और इसमें सब चीज को एक एक करके, ये सब चीजें जो आप बनाए हैं चदरे का बनाए हैं तो घर में ही? जी यहीं पे मेरा वो जनरेटर वगैरह वगैरह सब है, जनरेटर उधर अभी साटा पे गया है। अच्छा उसको भी साटा पे लगा देते हैं? नहीं हाँ जरूरत होता ठीक है, गांव है हर चीज कमर्शियल उपयोग में होना चाहिए। देखिए बिहार है और यहाँ पर जुगाड़ है, यही कह रहे ना, उसी जुगाड़ का परिणाम। चलिए इसको अभी चला करके भी दिखाएंगे। और मिथिलेश जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, उड़ने वाला भी हेलीकॉप्टर बन रही है उसकी भी खबर करनी है। जी जी इसी गांव से कुछ 30 किलोमीटर दूर एक लोग है जो उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बना रहे हैं, अभी वहां तक चलेंगे आपको लेकर के, लेकिन फिलहाल इसका टेस्ट ड्राइव लेते हैं। चलिए एक बार चला के दिखाइए, थोड़ा दूर चलाना है मुझे, ट्रायल रन ले रहे हैं तो क्लच वैसे ही है, गियर वैसे ही है जैसे मेरे कार में होता है, हमने एक नंबर लगा दिया है और देखते हैं कि धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ गई है ये गाड़ी, चलना शुरू कर दिया है इसने, देखिए धीरे धीरे और आगे बढ़ते हुए। देश का कहिए कि ऐसा पहला हेलीकॉप्टर है जो सड़क पर चलती है, इसे बिहार के एक छोटे से गांव में एक साधारण सा व्यक्ति जो पाइप फिटिंग का काम करता तो उन्होंने बना करके तैयार किया। ऊपर इसका पंखा चलता है, पीछे भी पंखा लगा हुआ है और ये सब कुछ इसमें हेलीकॉप्टर जैसा है, बस ये उड़ता नहीं सड़क पर चलता है और जहाँ चाह है वही राह है, उस चीज़ को पूरी तरह से सत्य कर दिया है इस जज्बे ने जो आपके सामने है, एक साधारण सा आदमी ने इसे बना करके तैयार किया। हमारी हर शुभकामनाएं मिथिलेश जी के साथ है कि छोटे से गांव का रहने वाला ये आदमी इतना बड़ा जज्बा लेकर के चला और एक हेलीकॉप्टर को बना दिया। हमारे ही सपोर्ट से बना हुआ है, नहीं तो हमारे पिताजी मम्मी और लोग भी बोलते थे कि आप पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जाओ आराम से कमाओ। अब क्या इसको बना लेने के बाद कमाई? जी जी अभी तो चालू है, देखिए आपके सामने ही हम लोग जा रहे हैं अभी लगन में लेकर गाड़ी। और जो ये नंबर लिखा है हेलीकॉप्टर में यहाँ, ये जो नंबर है 8757150962, ये नंबर है। आप लोगों को भी लगता है कि इस तरह का गाड़ी आपको बनवाना है या कभी बुकिंग करवाना है तो आप मिथिलेश जी से, इन दोनों लोगों से इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये दोनों हेलीकॉप्टर तैयार है, आज लगन में इसकी बुकिंग है, वहाँ जाएगा और इस छोटे से गांव में जहाँ आपने देखा ये गांव है, यहाँ के सराउंड में एक ऐसा आदमी जिसके मन में ख्याल आया और उसने एक नैनो कार को मॉडिफाई करके हेलीकॉप्टर बना दिया, इसके जज्बे को हमारी पूरी टीम का सलाम है।